अब अजीज आमिर मोहतरम आप इसी की रोशनी में चंद चीजें मुलाहिजा फरमाएं कि अल्लाह ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत अख्तियार करो, कायनात में आपको मोहब्बत करने वाले एक से एक मिलेंगे और ऐसे ऐसे मिलेंगे कि अहले बैत के चाहने वाले जिन्हें तारीख ने अपने औलाद पे जगह दी है, तारीख ने अपने दामन में उन्हें गुंजाइश अदा रखी है। हमारी तारीख वो तारीख है कि जिसमें जहालत की कोई चीज तहरीर नहीं हुई है, जहालत के किसी किरदार को बयान नहीं किया गया है। हमारी तारीख रोशन है, हमारी तारीख बिल्कुल आया है। हमारी तारीख ऐसी तारीख है कि वो किसी घर में छुप कर बयान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चौराहों पे, बाजारों में, हर जगह आप खुलकर बयान कर सकते हैं। इसलिए कि हमारी तारीख में कहीं भी अबू तालिब के अलावा किसी दूसरे का जिक्र नहीं हुआ है। हमारी तारीख के किरदारों में किसी अहले गैरे का कोई भी बयान नहीं है, कोई भी उनकी गुंजाइश नहीं रखी गई है। हमारी तारीख बादशाहों के इशारे पे नहीं, हमारी तारीख बादशाहों के इशारे पे नहीं लिखी गई है, बल्कि गोदिये में बैठ के हमारे इमामों ने इस तारीख को तहरीर करवाया है। यही वजह है कि हमारी तारीख में अबू जहल आपको नहीं मिलेगा, जहाँ मिलेंगे सिर्फ अबू तालिब मिलेंगे। हमारी तारीख तो ऐसी है कि दुनिया की तारीख वो तारीख है कि जब तारीख लिखने के लिए कोई बैठता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है, उसे दौलत की जरूरत होती है, उसे बादशाह की जरूरत होती है। लेकिन हमारी तारीख वो है जो दरबारों में नहीं लिखी गई है, जो बादशाहों के इशारे पे नहीं लिखी गई है, बल्कि हमने तारीख को खुद उन्वान अदा करके जमाने को यह बताया है कि हमारे खुद इमाम ऐसे है कि हमें ना पैसे की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है, ना दरबार की जरूरत है, ना बादशाहों की जरूरत है, बल्कि तारीख ने जब हमसे कहा कि हमें शजात की भीख दो तो हमने अली की शजात की भीख देकर तारीख का उन्वान बनाया। तारीख ने अगर हमसे ये मुतालबा किया कि हमें इसमत और तहारत की भीख दो तो हमने आयतखीर की खैरात देकर तारीख का उन्वान बनाया। तारीख ने अगर हमसे ये मुतालबा किया कि मैं अपने दामन में इसमत और तहारत के अलावा इल्म के पाकीज़ा मोती भी महसूस करना चाहती हूँ तो हमने बाबुल इल्म का खुतबा सलूनी देकर तारीख का उन्वान बनाया। तारीख ने अगर हमसे ये मुतालबा किया कि हमें शजात की भीख दो तो हमने अली की शजात की भीख देकर तारीख का उन्वान बनाया। तारीख ने अगर हमसे ये मुतालबा किया कि हमें इसमत और तहारत की भीख दो तो हमने आयतखीर की खैरात देकर तारीख का उन्वान बनाया। तारीख ने अगर हमसे ये मुतालबा किया कि मैं अपने दामन में इसमत और तहारत के अलावा इल्म के पाकीजा मोती भी महसूस करना चाहती हूँ तो हमने बाबुल इल्म का खुतबा सलूनी देकर तारीख का उन्वान बनाया। तारीख के हुक्मरानों ने हमसे हलाकत से बचाव की तरकीबें पूछी तो हमने उनके मसले हल करके उन्हें हलाकत से बचा के ये बताए हैं। जो अपने दुश्मन को भी हलाकत से बचाए उसे शरीयत मुस्तफा में अली कहा जाता है। अजीज आने मोहतरम, हमारी तारीख ऐसी है कि हर चौराहे पे खुलकर बयान की जा सकती है, इसलिए कि ये तारीख ने हमें कहीं भी शर्मिंदा नहीं किया है। कहीं भी तारीख ने हमें शर्मिंदा नहीं किया है। जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरवाज़े यज़ीद में पहुंची है तो एक मरतबा यज़ीद ने पूछा इब्ने ज़ियाद से कि ये बता कर्बला को तुमने कैसे पता किया? वहां मौलिक बैठे हुए थे, रवायत लिखने वाले बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा एक हमला किया और कर्बला पता कर ली। जनाब ज़ैनब अली की बेटी शेर दिल खड़ी हुई, कहा यज़ीद तू दरबार में बैठा है, तुझे क्या मालूम कि कर्बला कैसे खत्म हुई? कहा कि कर्बला से कूफा और कूफे से शाम तक कोई घर तेरा ऐसा नहीं बचा है जिसमें लोग शौक में ना बैठे हो। कहा तेरा कोई घर बचा नहीं है जिस घर के लोग शौक में ना बैठे हो। कहा हम अपनी फतह का ऐलान करते हुए कर्बला से कूफा और कूफे से शाम तक आए हैं। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा
कि हम फतह का ऐलान करते हुए आए हैं। जिनके सर कट जाते हैं, झुक जाते हैं, हमारे सर कटने के बाद भी रोके नहीं लाते। सलावत पढ़िए। हमारी जीत की पहली अलामत यह है कि सर कटने के बाद भी सबसे बुलंद है हमारा सर। और उसके बाद जनाब ज़ैनब ने जो तारीख बयान की है दरबार यजीद में, क्योंकि यह याम वही चल रहे हैं कि जनाब ज़ैनब को रिहा कर दिया गया, असीरा ने हरम को रिहा कर दिया गया। और जब असीरा ने हरम को रिहा किया गया है तो ज़ैनब ने कहा कि सबसे पहले इस शाम में हम अपने शहीदों पे गिरिया करेंगे, मजलिस करवाएंगे। एक मकान खाली कराया गया और उसमें जनाबे ज़ैनब ने फर्शी अज़ा का एहतमाम किया और फर्शी अज़ा पे आने वाली शाम की औरतें, जब शाम की औरतों ने आके जनाबे ज़ैनब को बुसा दिया है तो जनाबे ज़ैनब ने जहां करबला की रुदाद सुनाई है, करबला के बारे में लोगों को बताया है कि किस तरीके से मेरे माजाया को कत्ल कर दिया गया है, किस तरीके से मेरे भाई अब्बास के बाजू पलट कर दिए गए हैं, किस तरीके से मेरे अली अकबर के सीने पे बंसी मारी गई है, सारी चीजें जब जनाबे ज़ैनब बयान कर चुकी हैं। और उसके बाद जनाबे ज़ैनब ने एक जुमला शाम की औरतों से और कहा था, कहा ऐ शाम की औरतों याद रखना, हम जब शाम में दाखिल हुए थे तो तुम्हारे इस्तकबाल को हम कभी भूल नहीं सकते। कहा कि हम तुम्हारे इस्तकबाल को कभी भूल नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारे हाथ जब तुम ऊपर हाथ करते थे तो तुम्हारे हाथ दूसरे हाथों से टकराते थे, इतना तुमने हुजूम किया था, इतना हुजूम लगाया था, इतनी भीड़ इकट्ठा की थी और सबके हाथों में पत्थर थे। आपको कोई गम नहीं सुनाए गमे मसूमे करबला के, जनाब ज़ैनब ने शाम में मजलिस बर्पा की और उसके बाद यह काफिला करबला की तरफ रवाना हो गया। और जब करबला में यह काफिला वारिद हुआ तो इमाम की कब्र पे एक इमाम का चाहने वाला हबीब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, जो कब्र इमाम हुसैन पे पहले से मौजूद थे, सैयद सज्जाद ने कहा ऐ नाना के सहाबी जाबिर मेरे बाबा की कब्र से दूर चला जा, ऐ नाना के सहाबी मेरे बाबा की कब्र से दूर चला जा। जाबिर ने पलट के देखा, इस जंगल में, इस बयाबान में मुझे कौन सलाम कर रहा है जो ये कह के सलाम कर रहा है, ऐ मेरे नाना के सहाबी दूर चला जा। ते दूसरी आवाज आई, ऐ जाबिर जल्दी आगे बढ़ो, इसलिए कि मेरे साथ रसूल की नवासियां हैं, अली की बेटियां हैं, फातिमा की बेटियां हैं। अब जो जाबिर आगे बढ़ा, इमाम कब्र इमाम हुसैन पे आए और आने के बाद इमाम के कब्र को बोसा दिया, इमाम की कब्र पे गिरिया किया। हर बीबी इमाम की कब्र पे आई है, जनाबे उम्मे कुलसूम ऊंट से उतरी कब्र इमाम हुसैन पे आई, फिज़ा ऊंट से उतरी कब्र इमाम हुसैन पे आई, रबाब ऊंट से उतरी और इमाम की कब्र पे आई, रुकैया उम्मे लैला ऊंट से उतरी और कब्र इमाम हुसैन पे आई, और हर बीबी कब्र इमाम हुसैन पे कब्र इमाम से लिपट कर गिरिया कर रही थी, मगर अली की बेटी ज़ैनब ऊंट से उतरी नहीं बल्कि ऊंट से गिरी, और गिरने के बाद घुटनों के बल चलकर कब्र रसूल कब्र हुसैन पे जाती है और जाने के बाद इस तरीके से गिरिया करती है, भैया ज़ैनब आ गई। मगर अफसोस इस बात का है कि ज़ैनब शाम में जिंदा दे शाम में सकीना को छोड़ के तन्हाई है। अजर को बदला खुदा आपको कोई गम ना दे सवाए गमे मज़लूम करबला के। एक बार आखिरी दो तीन जुमले और मजलिस तमाम। एक मरतबा अली की बेटी
आती है, आने के बाद सैयद सज्जाद से कहती है कि बेटा सज्जाद मुझे भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो। तारीख ने लिखा है, साहिब मक्तल ने लिखा है कि इमाम सज्जाद जनाब जैनब को लेके जाते हैं एक नन्ही सी कब्र, एक छोटी सी कब्र के करीब। इमाम जनाब जैनब को पहुंचाते हैं, एक मतलब जैनब कहती है बेटा सज्जाद, बेटा सज्जाद मैंने तुमसे कहा कि मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो, तुम तो किसी बच्चे की कब्र पे लाए हो। सैयद सज्जाद तड़प जाते हैं और तड़प के कहते हैं अरे फूफी अम्मा जब मैं आया तो अब्बास का लाशा इस तरीके से पामाल हो गया था कि मैंने उसे एक चटाई में लपेटा और लपेटने के बाद जब सब उनसे बात करना चाहा तो लाशा इतने छोटे में आ गया। कहा ये आपके भाई अब्बास की कब्र है। ज़ैनब ने कहा हाय मेरा भैया अब्बास जो घोड़े पे बैठता था तो पैर जमीन पे खत्म होता था, मैं उन्होंने उसे इतने टुकड़े कर दिए कि मेरे भैया की कब्र एक बच्चे की कब्र मालूम हो रही है। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मसलूम करबला के। बस आखिरी जुमले और मजलिस का माम, अली की बेटी करबला से मदीने के लिए रवाना हो गई और जब मदीने ये बीबियां पहुंची हैं, तारीख ने लिखा है कि सबसे पहले ये मदीने के बाहर ये काफिला रुका है, कब्र रसूल पे ये काफिला रुका है, रसूल के रोजे के करीब ये काफिला रुका है। और रुकने के बाद हर बीबी ने जैसे जनाब कुलसूम ने नौहा पढ़ा कि मदीना तो जब देना ला तकबलीना, ऐ मदीना हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब मदीने से गए थे तो हमारे साथ मेरा भैया हुसैन था, मेरा अब्बास था, अली अकबर था, अब्बास थे, कासिम थे। अब जब हम आए हैं तो हम लुटे हुए आए हैं, अब भैया साथ में नहीं, अब्बास साथ में नहीं, औलो मोहम्मद साथ में नहीं। और तारीख ने दूसरी जनाबे ज़ैनब कब्र रसूल पे जाती है और जाने के बाद चार जुमले कहती है कि लाना ज़ैनब आ गई। ये ज़ैनब की पहली सदा थी, नाना ज़ैनब आ गई। जनाबे ज़ैनब ने दूसरा जुमला कहा कि नाना ज़ैनब तो आ गई मगर अफसोस इस बात का है कि जिंदा आई है करबला में अपने भैया को छोड़ के। तारीख ने जो तीसरा जनाबे ज़ैनब का जुमला लिखा है, जनाबे ज़ैनब ने कहा कि नाना नाना पछताएगा वो जुल्म जो मुझ पे नहीं हुआ, इसलिए कि करबला में बादे शहादत इमाम हुसैन हमारे मालो असबाब को लूट लिया गया, हमारे खैमों में आग लगा दी गई, सैयद सज्जाद के नीचे से बिस्तर छीन लिया गया, सकीना के कानों से बालियां छीन ली गई, नजर कीना के कानों पे तमाचे मारे गए, हम पे ताजियाने इस तरीके से बरसाए गए, हम पे इसने जुल्म ढाए गए, हमें इस तरीके से मुसीबतें उठाना पड़ी है कि जब हम दरबार शाम के करीब पहुंचे हैं तो हमारा आलम यह था कि हम एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे और जब हम बैठना चाह रहे थे तो मलूल हम पे ताजियाने बरसाते थे और जब खड़े होना चाहते थे तो सकीना की आवाज आती थी कुफी अल्लाह हमारा दम निकला जा रहा शाम तक हम पे जितने भी ताज़ियाने ढाए मारे गए, हम पे जितने भी जुल्म ढाए गए, हम पे जितने भी सितम ढाए गए हैं, चौथा जुमला जनाबे अली की बेटी का सुनिएगा, कहा कि जितने भी जुल्म हम पे ढाए गए हैं, ताजियाने बरसाए गए हैं, हम पे पत्थरों से वार किए गए हैं, हमारे ऊपर पत्थरों को फेंका गया है, ऐसा ऐसा मकाम आया है कि हम किसी गली में दाखिल होते थे तो हम पे इस तरीके से पत्थर बरसाए जाते थे, हमारे ऊपर इस तरीके से गर्म पानी फेंके जाते थे, इस तरीके
ऐसे हमारे ऊपर आग के गोले फेंके जाते थे कि जब हम उस गली से दूसरी गली में जाते थे तो हम एक दूसरे को पहचान ना पाते थे कि ज़ैनब कौन है, कुलथूम कौन है, रबाब कौन है, फिज़ा कौन है। अलीकुम अल्लाह कहा नाना, एक साल गुजरने के बाद ये अली की बेटी इस मदीने में आई है। नाना अब भी वो सारे जख्म आया है, अगर इन दोनों मैदानों की कब्र ना होती तो बाजू खोल के दिखा देती के कलबला से कुफा और कुफे से शाम का हम पे कितने जुल्म उठाए गए, हम पे कितने ताजियाने बरसाए गए। बस या अल्लाह आप हजरात से गुजारिश है कि बस उन्हें हम लोग दीन और सुन्नत तौहीद की तिलावत फरमा कर कायम रजा इब्ने शाहिद रजा गुलाम अब्बास इब्ने लियाकत हुसैन अफसा रानी इब्ने जाहिद रजा की रूह को सुनाए।